और 25 मार्च से पटना में विशेष वाहन चेकिंग अभियान की शुरुआत हो गई, जिसमें बगैर लाइसेंस, हेलमेट बगैर सीट बेल्ट लगाए और ट्रिपलिंग समेत अन्य नियमों को तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके अलावा बगैर परमिट के ऑटो और टेम्पो चलाने वालों पर भी पटना की ट्रैफिक पुलिस की कड़ी नजर है। इसी कड़ी में राजधानी के इनकम टैक्स गोलंबर पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाते हुए पुलिस ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसमें खास तौर पर बिना हेलमेट और कागजात के चल रहे दो पहिया वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया। और बिहार में इस बार इंटर की परीक्षा में फिर से लड़कियों का जलवा रहा। खगड़िया की रहने वाली मधु भारती ने आर्ट्स में टॉप किया। सिमुलतला से 12वीं की पढ़ाई करने वाली मधु भारती को परीक्षा में 463 अंक मिले हैं। रिजल्ट आते ही छात्रा के परिवार में खुशी का माहौल है। मधु के पिता पेशे से शिक्षक हैं और अपनी बेटी की उपलब्धि से खुश हैं। मधु भारती ने बताया कि वह IAS बनना चाहती हैं। मधु की बड़ी बहन कृति भारती ने भी 2016 में इंटर आर्ट्स में स्टेट टॉप किया था। मैंने आर्ट फैकल्टी से आज पूरे बिहार में टॉप क्लियर करा है और जब मैं कोचिंग जा रही थी इसी टाइम पे मुझे इस बात की खबर मिली। उसके बाद हम कोचिंग से रिटर्न आए और खुशी की तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने टॉप किया, और इससे भी ज़्यादा इसलिए खुश हूँ कि मेरी वजह से मेरी मम्मी पापा खुश है, मेरे पूरे ज़िले का नाम रोशन हुआ, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और रांची में नगर निगम में दोबारा बैठक बुलाए जाने पर विरोध में पार्षदों ने भारी हंगामा किया है। इस दौरान 5 एजेंडे को लेकर नगर आयुक्त और मेयर के बीच अनबन भी देखने को मिली। वहीं मीडिया से बात करने के दौरान नगर आयुक्त ने अनबन होने से इनकार करते हुए कहा कि वो मेयर द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आधिकारिक तौर पर जवाब दे रहे थे। बताते चलें कि रांची में वार्ड पार्षदों की संख्या 53 है। होली त्यौहार की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं और बधाई सारे झारखंड वासियों को। आइए हम लोग इस त्यौहार को एक दोस्तों के बीच, अपने परिवारों के बीच सारी चीजों को छोड़ते हुए मनाएं और सेफ होली खेलें, यही संदेश हम पूरे झारखंड वासियों को देते हैं। धन्यवाद।